हम लोग लाइफ टाइम गारंटी देंगे आपको, ये लीक नहीं करेगी, स्मेल नहीं करेगी। इसमें मैंने लगाया है अजूम का D2H फॉग प्रोजेक्टर, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में पूरी लगी हुई है एक पीस। और इस गाड़ी में हम करने लगे हैं बहुत जबरदस्त वाला काम, जैसे कि इसमें म्यूजिक सिस्टम लगेगा जिसमें स्टीरियो है, स्पीकर्स हैं, कैमरा है, डैम्पिंग है, एम्पलीफायर है, वूफर है, और आपका इसमें मैट डल रहा है, अजूम का प्रोजेक्टर लगेगा, LED लगेगी, और भी बहुत सारा सामान लग रहा है। हाय दोस्तों, मैं आया हूँ न्यू वीडियो के साथ में, जो है टाटा पंच बेसिक मॉडल के बारे में। और ये गाड़ी आई है नारनौल हरियाणा से स्पेशली काम होने के लिए। और इस गाड़ी में हम करने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त वाला काम, जैसे कि इसमें म्यूजिक सिस्टम लगेगा जिसमें स्टीरियो है, स्पीकर्स हैं, कैमरा है, डैम्पिंग है, एम्पलीफायर है, वूफर है, और आपका इसमें मैट डल रहा है, अजूम का प्रोजेक्टर लगेगा, LED लगेगी, और भी बहुत सारा सामान लग रहा है, तो आपको दिखाते हैं क्या करके। जैसे कि आप देख सकते हैं डैम्पिंग इस गाड़ी में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और डैम्पिंग जो हुई है वो गिराड की हुई है, जो मेरा इनहाउस ब्रांड है, मेड इन इंडिया डैम्पिंग, मैन्युफैक्चर बाय जापानीज कंपनी, वो OEM है सुजुकी में, टोयोटा में और बहुत सारे ब्रांड में। इसलिए हमारी जो क्वालिटी है वो ट्रस्टेड है, हम लोग लाइफ टाइम गारंटी देंगे आपको, ये लीक नहीं करेगी, स्मेल नहीं करेगी। और डैम्पिंग के बेनिफिट बहुत होते हैं गाड़ी के अंदर, इसलिए मैं आपको इसको करता हूँ हाईली रिकमेंड। साथ में स्पीकर इसमें हमने लगाए हैं 2 पेयर कंपोनेंट हेलिक्स के, ये आपने मेरे XUV वाले वीडियो में देखा था, XUV 500 वाले वीडियो में सेम कंपोनेंट है, और इसका तो आउटपुट जनरली बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने भैया को रिकमेंड किया, उन्होंने बोला लगा दो गाड़ी के अंदर, हमने लगा दिया, आउटपुट भी सुनाएंगे आपको लास्ट में। स्टीरियो इसमें हाइपरसोनिक का लग रहा है, जैसे मैंने बताया स्पीकर दोनों पेयर हेलिक्स के हैं, 4-channel एम्पलीफायर इंटरफायर का है, वूफर पाइनी का इंक्लोजर लगेगा, एम्बियंस लाइट भी हो रही है गाड़ी के अंदर, और अजूम के प्रोडक्ट लग रहे हैं आगे फ्रंट में, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। काम गाड़ी का कंप्लीट हो चुका हुआ है, और सबसे पहले मैं आपको फ्रंट में लेके आया हूँ उसका अजूम फॉग प्रोजेक्टर दिखाने के लिए। इसमें मैंने लगाया है अजूम का D2H फॉग प्रोजेक्टर, ये लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और प्रॉपरली फिट किया गया है, और बहुत मज़ेदार चीज़ है वो, इसलिए क्योंकि इसकी लाइट इतनी इनफ है, इतनी सफिशेंट है कि इसके सामने आपको हेडलाइट नहीं भी चलाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लाइटिंग प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर और ये कंपेटेबल है, तो 100% आप अजूम का प्रोजेक्टर लगा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। साइड में चलेंगे तो हमने इसमें डोर वाइजर लगाया है सिल्वर लाइन वाला, सेटो 4 पीस आता है गैल्यू ब्रांड का ये, और ये भी अच्छा लगता है गाड़ी की लुक को एनहेंस करने के लिए होता है मेनली, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाहर हमने इतना ही काम किया, बाकी अंदर हमने बहुत सारा काम किया, अब अंदर के चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अंदर अगर आपको दिखाना चाहूँगा वो इसमें हमने एम्बियंस लाइट लगाई है KD K4 की 6 पीस के अंदर, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में पूरी लगी हुई है एक पीस इधर लगा हुआ है, 2 पीस टोटल डैशबोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, और 4 हमने डोर्स पे लगा रखी है, 4 डोरों पे। तो ये गाड़ी की लुक को काफ़ी एनहेंस कर देती है, और मैक्सिमम गाड़ी में इसकी कंपेटेबिलिटी रहती है, और गाड़ी की लुक बिल्कुल अलग हो जाएगी इसको लगा के। तो इसमें हमारे पास 10 पीस वाला ऑप्शन भी है, 18 पीस वाला ऑप्शन भी है, जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा, सब अवेलेबल होता है हमारे पास में। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर हमने लगाया है स्टीयरिंग कवर, प्रॉपर OEM स्टाइल के अंदर प्रॉपर फिटिंग हुई हुई है, आप देख सकते हो कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमने स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेंज किया, इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ था तो वो प्लास्टिक हमने हटा दिया, और प्रॉपर वर्किंग स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर वर्किंग स्टीयरिंग कंट्रोल है। हाँ, इसमें क्रूज कंट्रोल काम नहीं करेगा, बट इसमें आपका वॉल्यूम वगैरह सब काम करेगा, ट्रैक वगैरह, ये देखो आप। हंड्रेड परसेंट फंक्शनिंग स्टीयरिंग कंट्रोल है, ग्लॉसी ब्लैक के अंदर है, और जो ये पार्ट है आपका ग्लॉसी ब्लैक के अंदर है, इसमें आपको मैट भी मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने स्टीरियो भी लगाया एंड्रॉयड हाइपरसोनिक का 9 इंचेस के अंदर, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज विद एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड वाइड एंड्रॉयड ऑटो के साथ में है ये। ये पर्सनली मेरा फेवरेट स्टीरियो है, क्योंकि ये लैग बहुत कम करता है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हर बंदे को ये रिकमेंड करता हूँ कि हाइपरसोनिक का एंड्रॉयड लगाओ, प्लस इसकी जो आउटपुट है बाकी स्टीरियो के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसमें हमने हेलिक्स के कंपोनेंट लगाए हैं फ्रंट एंड रियर में, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, साथ में हमने डैम्पिंग की है इसके अंदर गैराड की, 4-channel एम्पलीफायर लगाया हमने इसमें इंटरफायर का, पीछे वूफर डाला है हमने पाइनी का इंक्लोजर, जो मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ, आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। पहले मैं आपको स्टीरियो का डेमो दे देता हूँ, एंड्रॉयड स्टीरियो है, काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो, और ये Zedlink ऐप होती है जो एप्पल का प्ले एंड्रॉयड ऑटो के लिए होती है इसके अंदर, प्लस में हमने रिवर्स कैमरा भी लगाया है, कैमरा भी अच्छा है, क्लैरिटी है, उतना महंगा नहीं होता ये कैमरा, 1000 रुपये का कैमरा है मात्र ये, और ये भी हाइपरसोनिक का ही है, वारंटी के साथ आता है।
आउटपुट आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, एक नंबर आउटपुट है, क्लैरिटी भी है, मतलब जो आपको ट्विटर की आवाज़ चाहिए, जो मिड्स चाहिए आपको, जो वोकल चाहिए, सब कुछ परफेक्टली आ रहा है और वूफर की बेस भी सफिशिएंट है गाड़ी के अंदर एंजॉय करने के लिए। हाँ, ये बाहर सुनाने के लिए नहीं है, ये अंदर एंजॉय करने के लिए, और कस्टमर का टेस्ट भी बैठा था तो हमने कस्टमर को वही रिकमेंड किया। और बढ़िया बढ़िया आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर, और इसमें हमने सेंट लॉकिंग भी लगाई है आरडी कंपनी की। ये दो रिमोट आते हैं साथ में इसके अंदर, ये बेस मॉडल है तो इसमें हमें लगानी पड़ी, और 3 ईयर्स गारंटी के साथ में होती है आपको, जो दिल्ली NCR में ऑनसाइट सर्विस मिल जाती है, अदरवाइज आपको इनके सर्विस सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर, जो हमने USB पोर्ट है इसके, यहाँ पे हमने कट करके प्रॉपरली फिट एंड फिनिश कर दिए, लगा दिए गए यहाँ पे। आमतौर पे क्या होता है, या तो उसकी लूज वायर छोड़ दो या डैशबोर्ड के अंदर छोड़ दो, तो हमने वो नहीं किया, इसमें प्रॉपर जगह दी गई होती है, तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह लगा के, ये आपको अगर एंड्रॉइड ऑटो चलाना है वाइड वाला तो आप यूज़ कर सकते हो, ये बड़ा आसान काम हो गया। अब चलते हैं आपको वूफर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वूफर आवाज़ अच्छी देता है, अच्छी बेस देगा, आप अंदर एंजॉय कर सकते हो, बाहर सुनाने के लिए नहीं है, और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है, किसी भी गाड़ी में लग जाएगा, स्पेस कम लेता है ये, तो ये भी मैं आपको करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये कंटेंट पसंद आया होगा, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, थैंक यू, बाय बाय।